हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट 69। इन दिस वर्कशीट वी विल रीड द पोएम ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। द पोएम इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय ओगडन नास। स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्ट जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, उसमें पोएम 10 है। ये पोएम है ये आपकी, और उस पोएम का टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी पूरी पोएम पढ़ोगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, जैसे कि इस लाइन में ही दिखाया गया है, ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। एक इसमें ब्लिंडा है करेक्टर, इस पोएम एक स्टोरी टाइप में है ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो होमेरियस बालेड है ये, तो इसके अंदर कौन कौन करेक्टर है, एक तो ब्लिंडा है। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा इतनी ब्रेव है जितना कि एक बैरल के अंदर जो बियर्स अगर फुल हो जाएं, जितने वो ब्रेव होते हैं उतनी ही ब्लिंडा है। तो यहाँ पर ब्लिंडा को ब्रेव दिखाया गया है पोइटिक डिवाइस यूज़ करके, एज और एज यूज़ करके, सिमिली यूज़ करके। तो इसमें आप देखोगे एक करेक्टर ब्लिंडा है, एंड इंक एंड ब्लिंक, और इसमें इंक और ब्लिंक, ये देखो दो करेक्टर और आ गए हैं। इसमें इंक किसका नाम है, इंक है इसमें एक कीटन, कीटन का नाम है इसमें इंक, ये भी आपको याद रखना है। एंड ब्लिंक, ब्लिंक इसके अंदर क्या है, माउस है। इनमें भी देखो राइमिंग स्कीम है, इंक ब्लिंक, ब्लिंक क्या है इसमें, माउस है। ओके, चेस्ट चेस्ट लोइंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक भी इतने जो है ब्रेव हैं कि वे लोइंस का भी पीछा कर सकते हैं स्टेयर्स में नीचे जाने के लिए, मतलब लोइंस का भी वो पीछा कर सकते हैं, मतलब वो भी ब्रेव हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेड। और मस्टर्ड, मस्टर्ड इस पोएम के अंदर क्या है, डॉग है। मस्टर्ड किसका नाम है, बड़े फनी नेम है, मस्टर्ड है इसमें डॉग। देखो नेम में भी पोइट ने क्या यूज़ कर रखी है, राइमिंग स्कीम यूज़ कर रखी है। और इसमें क्या है, कस्टर्ड, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड किसका नाम है इसमें, कस्टर्ड है इसमें ड्रैगन का नाम है, ड्रैगन है वो क्या है, कस्टर्ड है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं इसका क्या नाम है। ओके स्टूडेंट, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो है वो हमेशा एक सेफ केज के बारे में चिल्लाता रहता है कि उसको सेफ केज मिल जाए, मतलब वो अपने आप को ब्रेव नहीं बताता है। लेकिन जब आप पूरी पोएम पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कस्टर्ड ही सबसे ज़्यादा ब्रेव है। ओके, ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। ब्लिंडा उसको गुदगुदाती है, उसको अनमर्सीफुल वे से उसको गुदगुदाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। वो उसको परसीवल बोलते हैं, परसीवल एक नाइट था, और वो जो है जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो कहीं चला गया था, छिप गया था, इसलिए उसको मिस्टर कोवर्ड, उसको कोवर्ड बोलते हैं। किसको, कस्टर्ड को, कस्टर्ड द ड्रैगन को। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वो सब बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, अपनी रेड कलर की वैगन में बैठे हुए हैं। एट द रील योर ट्रील यो कोवर्डली ड्रैगन। रील यो, रियल को ही रील यो यूज़ किया है राइमिंग वर्ड्स देने के लिए। ट्रूलियो, ट्रूलियो ट्रू है, क्योंकि ये पोइट के पास लाइसेंस होता है, वो लैंग्वेज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकता है उस पोएम को पोइटिकल बनाने के लिए। कोवार्डली ड्रैगन, और उसमें कौन बैठा हुआ है, वो डरपोक ड्रैगन। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए, द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेस लोइंस टेल्स अस दैट दे आर। वो जो है फैक्ट कि इंक और ब्लिंक जो है लोइन का भी पीछा कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, क्रेजियस। वो दोनों क्या है, क्रेजियस। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कोवर्ट डरपोक नहीं, कोवर्ट भी नहीं, कंप्लेंट भी नहीं। तो इसका आंसर है ए, क्रेजियस, कि वो क्रेजियस है इंक और ब्लिंक। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा की हमें राइमिंग स्कीम बतानी है, तो ये देखिए राइमिंग स्कीम, फर्स्ट लाइन एंड हो रही है बियर्स, ए हमने दे दिया। सेकंड स्टेयर्स, सेम है ये राइमिंग वर्ड्स, तो ए ए। थर्ड लाइन है रेज, बी डिफरेंट साउंड है, तो केज, रेज और केज,
राइमिंग वर्ड्स है तो बी। और इसमें देखिए ये अनमर्सीफुल, ये क्या होगी हमारी सी। परसीवल ये भी सी, परसीवल और अनमर्सीफुल दोनों सेम साउंड है तो सेम हम नोटेशन देंगे। फिर वैगन, वैगन डिफरेंट आ गया तो डी ड्रैगन, वैगन का राइमिंग वर्ड्स है तो इसका भी डी। तो राइमिंग स्कीम ये हो गई है। ये देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड में देखिए सी में, ए ए बी बी सी सी डी डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से, कस्टर्ड क्या नहीं कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता, आई हैव द पावर, कि वो ब्रेव है, कि मेरे अंदर पावर है, वो नहीं कहना चाहता है, वो अपने आप को ब्रेव नहीं कहता है, वो अपने आप को डरपोक किसी सेफ स्थान की खोज करता रहता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टेंजा ब्रिंग आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। यस, इस स्टेंजा में किसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, तो ए ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। ये देखिए द फ्रेज बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल्स अस व्हाट, टेल्स अस दैट ब्लिंडा इज बैरल्स फुल ऑफ बियर्स, बियर्स से भरा हुआ बैरल, इसका मतलब बियर्स क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, तो ब्लिंडा की क्या करेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है इसमें, ब्रेव, टेल्स अस दैट ब्लिंडा इज ब्रेव। तो इसमें जो है इस पोएम के आपको सारे मेन करेक्टर्स इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम इस पोएम के बारे में आगे पढ़ेंगे। वैसे स्टूडेंट ये आपको सारी पोएम पढ़नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसमें स्टोरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।